हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंडित ने भैरों से पहले मंत्रोच्चार के साथ किया दूल्हा दुल्हन को सैनिटाइज। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को मास्क पहनाकर की शादी की रस्में पूरी। कोविड-19 के कहर का इफेक्ट लगातार समाज में दिखाई दे रहा है। लोग फिजूल खर्ची से भी बच रहे हैं और सावधानी भी बरत रहे हैं, क्योंकि अब सभी को पता है कि अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। अब इसके साथ ही जीना है तो सावधानी बरतनी ही होगी। लॉकडाउन के दौरान सातों जन्मों के बंधन की शुरुआत सादगी से करने वाले नौजवान अब अपनी शादी के प्रारंभ में ही जीवन साथी को मास्क पहना रहे हैं। आज जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र में सात फेरे के बाद नीतू और ऋषि का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में दूल्हा दुल्हन व एक पंडित के साथ मामा मामी मौजूद थे। दूल्हा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर ससुराल पहुंचा। परिवार के 4-5 लोगों के साथ बैठकर दूल्हा दुल्हन को तैयार किया गया। उसके बाद एक दूसरे के साथ 7 जन्म के बंधन में बंधने से पहले दूल्हा दुल्हन ने प्रतिज्ञा ली कि हम जीवन भर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और मास्क पहनेंगे। फेरों में बैठने से पहले पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ संगत हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया। उसके बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को मास्क पहनाया। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तलवारों की सहायता से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। पंडित जी ने आशीर्वाद देकर शुभ विवाह को संपन्न किया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।